हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लालन विद केडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विलोम शब्दों के बारे में। दोस्तों ये वो सारे प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा संगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आपसंसी, शाश्वत, सदैव। दोस्तों असंगत विलोम शब्द युग्म है शाश्वत और सदैव। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है ना कि सदैव। घात का प्रतिरोध प्रतिघात होता है। प्रसारण का संकुचन होता है। प्रसारण का संकुचन होता है और खग का मृग होता है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन डी ऐहिक लौकिक। विकल्प डी में प्रस्तुत विलोम युग्म अशुद्ध है। ऐहिक का विलोम पारलौकिक है जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक है। शेष विलोम सही है। कर्कस का मधुर है। रिज का वक्र होता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। प्रश्न संख्या 3 और 4। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। सही जवाब है ऑप्शन सी समान आज्ञा। विकल्प सी में विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। समान का विलोम अपमान असम्मान है। आज्ञा का विलोम अवज्ञा है। और अगला क्वेश्चन है विकल्प, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी धर्म का पुण्य। विकल्प डी में प्रस्तुत विलोम युग्म धर्म पुण्य त्रुटिपूर्ण है। धर्म का विलोम अधर्म और पाप का विलोम पुण्य होता है। बाकी सही है। जय का पराजय होता है। पतन का उन्नति होता है। सार्थक का निरर्थक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शन ए सदाचारी दुराचारी। समविषम सही है। समर्थक विरोधी सही है। समष्टि व्यष्टि सही है। दोस्तों सदाचार का विलोम दुराचार होता है। शेष विलोम युग्म सही है। रिजु का विलोम है ऑप्शन डी वक्र। रिजु का विलोम वक्र होता है। सरल का विलोम कठिन या कुटिल तथा सीधा का विलोम उल्टा होता है। रिजु का विलोम है ऑप्शन डी वक्र। रिजु शब्द का विलोम वक्र है। सरल का विलोम कुटिल वक्र कठिन है। सीधा का विलोम टेढ़ा या उल्टा है। अध का विलोम है ऑप्शन ए पूर्ण। अध का अर्थ आधा होता है। इसका प्रयोग आधा के लिए होता है जैसे अध खुला अध मरा। अतः अध का विलोम पूर्ण होगा। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन। दोस्तों अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन ऑप्शन बी। अर्वाचीन का उचित विलोम शब्द प्राचीन है। नवीन एवं प्राचीन परस्पर विलोम है। बर्बर का विलोम शब्द है ऑप्शन डी सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य है। दुर्बल का विलोम सबल। निर्मल का विलोम मलिन और सुंदर का विलोम असुंदर है। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन सी तिरोभाव। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव है। भाव का विलोम शब्द अभाव है। प्रादुर्भाव का आविर्भाव शब्द समानार्थी है। उन्मूलन का सही विलोम शब्द चुनिए ऑप्शन डी है रोपण। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द रोपण है। शेष विकल्प इस दृष्टि से असंगत हैं। उद्गत का सही विपरीतार्थक चुनिए ऑप्शन ए विनीत। उद्गत का विलोम विनीत है। शेष विकल्प इस दृष्टि से असंगत हैं। घृणा शब्द का विलोम है ऑप्शन ए प्रेम। घृणा शब्द का विलोम प्रेम है। हिंसा का विलोम अहिंसा है। उथला शब्द का विलोम है गहरा। उथला शब्द का विलोम गहरा है। उधार का विलोम उभार का विलोम धसा है। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का नश्वर है। चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। नश्वर का विलोम शाश्वत अनश्वर है। आदि का विलोम अंत है। ग्रस्त का विलोम है मुक्त ऑप्शन बी। ग्रस्त का विलोम मुक्त है। चपल का विलोम है गंभीर। चपल का विलोम शब्द गंभीर है। चंचल का विलोम स्थिर। उद्यमी का विलोम निर्द्यम तथा मूक का विलोम वाचाल है। जटिल का विलोम होगा सरल। जटिल का विलोम सरल है। कुटिल का भी विलोम सरल है। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। अमृत का विलोम विष है। अमर का विलोम मर्त्य है। अमर का विलोम मर्त्य है। आवृत शब्द का विलोम है अनावृत। आवृत शब्द का विलोम अनावृत है। जड़ का विलोम है चेतन। जड़ का विलोम चेतन है। जल का विलोम थल और मूर्ख का विलोम विद्वान है। हर्ष का विलोम है
विषाद, हर्ष का विलोम शब्द विषाद है, खुशी आनंद प्रसन्नता आमोद आह्लाद आदि हर्ष के पर्यायवाची हैं। हास का विलोम शब्द है रुदन, हास का विलोम शब्द रुदन है। सुसुप्ति का विलोम शब्द है, सुसुप्ति का विलोम है जागृति आसन डी, सुसुप्ति का विलोम जागृति है, सुमति का विलोम कुमति, समष्टि का विलोम व्यष्टि, विधि का विलोम निषेध है। स्तुति का विलोम है आसन सी हे, स्तुति का विलोम निंदे होता है, प्रश्नगत विकल्पों में निंदे नहीं है अतः स्तुति का विलोम हे होगा, लाभ का विलोम हानि है। सम शब्द का विलोम है विषम, ऑप्शन सी। सम्मुख शब्द का विलोम है ऑप्शन ए, सम्मुख शब्द का विलोम विमुख होता है, प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, सूक्ष्म शब्द का विलोम स्थूल है, मोटा का विलोम पतला है। स्वाधीन शब्द का विलोम है पराधीन, स्वाधीन शब्द का विलोम पराधीन है, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र है, निरंकुश का विलोम अंकुश होता है। सन्मार्ग, सन्मार्ग शब्द का विलोम है कुमार्ग, विकल्प डी, सन्मार्ग शब्द का विलोम कुमार्ग है। स्वर्ग शब्द का विलोम है नरक, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए पौराणिक प्राचीन सुमेलित नहीं है, प्राचीन का विलोम नवीन अर्वाचीन है, शेष विलोम शब्द कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण ये सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी मान्यिका धान्य, मान्यिका विलोम शब्द अमान्य होता है, शेष विकल्पों में पर्युक्त विलोम शब्द सही है, जैसे भद्र का भद्र होता है, मूढ़ का ज्ञानी, भय का साहस। वैमनस्य का विलोम होगा ऑप्शन बी सौमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होगा, शेष अशुद्ध है। व्यास का विलोम शब्द है ऑप्शन ए समास, व्यास का विलोम शब्द समास होता है, लघु का विलोम गुरु दीर्घ महत्व होता है, संक्षेप का विलोम विस्तार है। रुग्ण का विलोम शब्द है ऑप्शन बी स्वस्थ, रुग्ण का विलोम शब्द स्वस्थ है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म तथा आलसी का विलोम कर्मठ है। विपद का विलोम शब्द है, विपद का विलोम शब्द है संपद, विपद का विलोम शब्द संपद है। वक्ता शब्द का विलोम है श्रोता, राग शब्द का विलोम है विराग, राग शब्द का विलोम विराग है, अनुराग का विलोम विराग है, आसक्ति का विलोम अनासक्ति है तथा अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति, निंदा का विलोम स्तुति है, निंद का विलोम वंद्य स्तुत्य है। निष्कलुष का विलोम शब्द है कलुष, निष्कलुष का विलोम शब्द कलुष है, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ है, कुख्यात का विलोम विख्यात तथा कड़वा का विलोम मीठा होता है। तामसिक का विलोम क्या होगा ऑप्शन ए सात्विक, तामसिक का विलोम सात्विक होगा, निरामिष का विलोम सामिष है, सभय का विलोम अभय या निर्भय है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए ऑप्शन बी वितृष्णा, तृष्णा का विलोम वितृष्णा है, तृष्णा का विलोम प्रवृत्ति है। परवृत्ति का विलोम शब्द है ऑप्शन सी निवृत्ति, परवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति है, आवृत का विलोम अनावृत है। मूर्त शब्द का विलोम है ऑप्शन ए अमूर्त, मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त है, दृष्ट का विलोम अदृष्ट होता है। लोक शब्द का विलोम है ऑप्शन डी परलोक, लोक शब्द का विलोम परलोक है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चयनित करें। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है ऑप्शन डी, योग का विलोम भोग होता है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जंच रहा है ऑप्शन डी अधोवस्त्र, उत्तरी का अर्थ ऊपर पहने रखने वाला वस्त्र होता है अतः इसका विलोम अधोवस्त्र होगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, इसका ऑप्शन ए होगा सही जवाब ऑप्शन ए कांतिहीन, ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होता है, इसका विलोम निस्तेज भी होता है। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी दिगंबर, श्वेतांबर का विलोम दिगंबर होता है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे,
इसका विलोम होगा ऑप्शन डी दानी, कृपण का विलोम दानी होता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर, सही जवाब होगा ऑप्शन बी विरक्ति थी। रेखांकित शब्द के विपरीत आने वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति शब्द का विलोम विरक्ति है। क्रोध का विलोम क्षमा और रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा अलौकिक। रेखांकित शब्द का लौकिक, रेखांकित शब्द लौकिक का विलोम अलौकिक है। कुटिल का विलोम सरल और सांसारिक का विलोम पारलौकिक होता है। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा ऑप्शन ए रेखांकित शब्द। संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। स्वीकार सहयोग एवं सार का विलोम अस्वीकार असहयोग और असार होगा। उद्दत का विलोम शब्द है ऑप्शन बी विनीत। उद्दत का विलोम शब्द विनीत होता है। उत्तम अधम शब्द का विलोम है जबकि कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विलोम पोषक ऑप्शन बी, शोषक का विलोम पोषक होता है। शोषण का विलोम पोषण होता है। प्रसारण का विलोम है ऑप्शन सी आकुंचन। प्रसारण का विलोम सकुंचन तथा आकुंचन दोनों होता है। प्रश्न संख्या 60 और 61, निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना है। तो आप प्रश्न 60 में है घर है प्रियजन है परिवार है और बच्चे हैं। तो इसका बेमेल होगा ऑप्शन ए घर। घर बेमेल शब्द है क्योंकि वह निर्जीव है। अन्य शब्द परिवार प्रियजन बच्चे सजीव हैं। प्रश्न नंबर 61, समस्या खेद कठिनाई जटिलता इनमें से कौन बेमेल है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी खेद। खेद बेमेल शब्द है। समस्या कठिनाई जटिलता एक समान है और एक ही अर्थ बताते हैं। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है ऑप्शन सी मधुर। कर्कश का विलोम मधुर या कोमल होता है। विवेकी का विलोम अविवेकी होता है। श्री गणेश का विलोम शब्द है ऑप्शन बी इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है जबकि विनाश शब्द उत्पत्ति का विलोम है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है ऑप्शन बी निर्धनता। यद्यपि संपन्नता का उपयुक्त विलोम विपन्नता होता है और संपन्न का विपन्न होता है परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में संपन्नता का विलोम निर्धनता ही होगा। कौटिल्य शब्द का विलोम है आर्जव ऑप्शन बी। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव है। पृथ्वी का विलोम बताइए आकाश। पृथ्वी का विलोम आकाश है। लौकिक का विलोम अलौकिक है। गोचर का विलोम अगोचर होता है। अवनि का विलोम है अवनि ऑप्शन ए अंबर। अवनि का विलोम शब्द अंबर है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है ऑप्शन सी पारलौकिक। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है। आकाश का विलोम बताइए विकल्प बी पाताल। आकाश का विलोम पाताल है। अघ का विलोम अनघ है। अर्थ का विलोम अनर्थ है। प्रश्न संख्या 70 और 71 में लिखित शब्दों का विलोम चुनना है। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ ऑप्शन सी। अल्पज्ञ का शुद्ध विलोम बहुज्ञ होता है परंतु उपलब्ध विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प सी अर्थात सर्वज्ञ शुद्ध है। कृष्ण का विलोम है ऑप्शन डी हष्टपुष्ट। कृष्ण का विलोम हष्टपुष्ट होता है। परोज का विलोम प्रत्यक्ष होता है। परोज का सही विलोम शब्द प्रत्यक्ष है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। उत्कृष्ट का विलोम है उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। व्यर्थ का विलोम सफल होता है। गरल गरल का विलोम होता है सुधा ऑप्शन बी। जल का विलोम थल है। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। चिरंतन का विलोम नश्वर है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम अनैसर्गिक। नश्वर का विलोम शाश्वत अनश्वर है। उदय शब्द का विलोम अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। 70 से 78 में शब्दों का विलोम शब्द चुनना है। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ अथवा कृतघ्न होता है। संकीर्ण का विलोम होता है ऑप्शन डी विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। यद्यपि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद डॉक्टर हरदेव बाहरी तथा डॉक्टर पी एन पांडे आदि विद्वानों की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण लिखा गया है। सामान्य हिंदी लेखक संजीव कुमार एवं वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विकीर्ण है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विलोम से संबंधित थे। वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।